स्टाइल। वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ गेट राइट ऑफ डार्क सर्कल। डार्क सर्कल क्या है और ये कैसे हो जाते हैं और इन्हें कैसे रिमूव करना है, ये सभी मैं इस वीडियो में बताऊँगी। डार्क सर्कल ना आजकल बहुत ही ज़्यादा लोगों को हो रहे हैं, ये बहुत ही ज़्यादा आम समस्या हो गई है। फैशन में ना लड़की लड़का सभी को हो रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा लोगों को हो रहे हैं डार्क सर्कल। और कुछ लोग ना परेशान रहते हैं कि डार्क सर्कल को कैसे रिमूव करना है, कॉस्मेटिक या क्रीम से हम डार्क सर्कल नहीं इतना रिमूव हो पाता है। सर्कल को रिमूव करने के लिए कॉस्मेटिक और क्रीम्स वगैरह भी अवेलेबल हैं, लेकिन उन्हें यूज़ करने से हमारी आंखों पर इफ़ेक्ट पड़ सकता है और वो सेफ़ नहीं है। तो इसे नेचुरली तरीके से हम रिमूव करना मैं आपको बताऊँगी। सर्कल को रिमूव करने के लिए कॉस्मेटिक और क्रीम्स भी अवेलेबल हैं, लेकिन वो आँखों के लिए सेफ नहीं है, क्योंकि आँखों की आसपास की त्वचा बहुत ही ज़्यादा लाइट होती है और नाजुक होती है। तो अगर हम कॉस्मेटिक या क्रीम्स वगैरह अपनी आँखों पर यूज़ करेंगे तो उसका बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट होगा, हमारी आँखों पर इचिंग हो जाएगी, रेडनेस आ जाएगी, तो वो सेफ नहीं है। और नेचुरली तरीका सबसे ज़्यादा बेस्ट है हमारी आइज़ के लिए। लक्षण क्या हैं और ये कैसे हो जाते हैं? नींद पूरी ना होने की वजह से हमें डार्क सर्कल हो जाते हैं, इसलिए हमें प्रॉपर नींद लेना ज़रूरी है। स्ट्रेस लेने से भी डार्क सर्कल की समस्या हो जाती है, इसलिए हमें स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेना है, टेंशन फ्री होकर फ्रीडम होकर रहना है, जिससे हमें डार्क सर्कल की समस्या ना हो। खून की कमी से भी हो जाते हैं, जब हमारे बॉडी में खून की कमी होने लगती है तब हमें आइस पर डार्क सर्कल होने लगते हैं और बहुत सी स्किन प्रॉब्लम भी होने लगती है। तो अपनी खून की कमी को पूरी करिए और डार्क सर्कल को भी रिमूव करिए। करने के लिए पोमग्रेनेट का जूस पीना बहुत ज़रूरी है। पोमग्रेनेट जूस से हमें हमारा खून इंकरेज होता है बॉडी में और ये डार्क सर्कल की समस्या भी दूर होती है पोमग्रेनेट जूस से। बीटरूट जूस है, पोमग्रेनेट जूस है, टमाटो जूस है, इन सब चीज़ों से हमारे शरीर में आयरन इंकरेज होता है और इन सब समस्याओं से हमें छुटकारा मिल जाता है। सर्कल को नेचुरली तरीके से कैसे रिमूव करना है और इसे कैसे कम करना है, ये मैं आपके साथ रेमेडी शेयर करने जा रही हूँ। चलिए रेमेडी आपके साथ मैं शेयर करती हूँ और बताती हूँ कैसे डार्क सर्कल को कम करना है। तो आपको लेना है एक पोटैटो, आलू और एक टमाटो, यानी कि टमाटर। आपको पोटैटो एंड टमाटो का जूस लेना है, इन दोनों का जूस आपको मिक्स करना है एक छोटी कटोरी में और उसमें लेना है कॉटन बॉल, दो कॉटन बॉल उसमें डालकर डिप रखना है और डिप करके अपनी आइस पर रख लेना है। ऐसा आपको 15 टू 20 मिनट्स करना है। ऐसा डेली करने से आपके डार्क सर्कल कम होने लगेंगे और वैसे तो इतनी जल्दी नहीं जाएंगे, थोड़ा सा टाइम लगता है। ऐसा डेली करने से ही होगा, ऐसा नहीं कि आज किया कल नहीं किया, ऐसा करने से इतना नहीं इफेक्ट पड़ेगा। आपको इसे डेली करना है तभी आपके डार्क सर्कल कम होंगे। हमारी सेकेंड रेमेडी है वो है एक ऑयल। आपको लेना है स्वीट एलमंड ऑयल एंड आपको विटामिन ई का कैप्सूल लेना है। तो वो एलमंड ऑयल आपको 1 टीस्पून लेना है और विटामिन ई का कैप्सूल आपको 1 लेना है। तो इन दोनों को आपको मिक्स करना है। आप एक छोटे कंटेनर में या डेली आप बना सकते हैं या आप उसे बना कर रख सकते हैं कंटेनर में। इन दोनों को आपको मिक्स करना है और हल्के हल्के फिंगर से आपको मसाज करना है अपनी आइस के किनारे। ये रात को सोने से पहले ओवर नाइट आपको अपनी आँखों पर रखना है। ऐसे भी डेली करने से आपके डार्क सर्कल की समस्या कम हो जाएगी, ये रिमूव होना शुरू हो जाएंगे धीरे धीरे। ऐसा आप करिए, आपके डार्क सर्कल रिमूव होना शुरू हो जाएंगे और ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव और बहुत ही ज़्यादा अच्छी रेमेडी है। ये नेचुरली होम रेमेडी है, ये कोई बाहर की कॉस्मेटिक वगैरह या क्रीम वगैरह नहीं है जो आपकी आँखों पर नुकसान करे। घर की चीज़ें आपकी स्किन पर या आइस पर कोई इफेक्ट नहीं करेंगी। तो इसे आप बनाइए और यूज़ करिए अपनी आँखों पर। तो
आप सभी को मेरा ये वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। आप सभी ये वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो ये मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।